हेलो गाइस, यदि आपके पास पल्सर बाइक है तो आपका डिस्क ब्रेक है और आवाज़ करता है जब हजका लगता है। जब आप उखड़ खाबड़ रोड पर चलते हैं तो खुट खुट की आवाज़ आती है। आप यहाँ से समझ नहीं पाते कि यहाँ से आवाज़ आ रही है या फिर यहाँ कहीं से आवाज़ आ रही है। तो वो जो आवाज़ आती है खटखट की, खुट खुट की, ऐसा लगता है कि कोई चीज़ टूट गया है या फिर कोई नट बोल्ट ढीला हो गया है, वही खुट खुट लड़ रहा है कहीं पर। तो नट बोल्ट ढीला नहीं होता है जनरली, आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो डिस्क पैड वाला नट है ये ढीला हो जाता है। ढीला कैसे होता है, यहाँ अंदर पे एक सेफ्टी पिन लगा होता है। सेफ्टी पिन इस जो ये लेदर पैड है इसको ऐसे दबा के ऐसे रखा रहता है ताकि ये हिले ना। तो जब लूज हो जाता है तो खटखट की आवाज़ आती है। तो आपको कुछ करना नहीं है, उसे ये जो व्हील है इसको निकालना पड़ता है। यहाँ से निकाल करके आप यहाँ से लेदर पैड को निकाल के एक साइड से निकाल के उसको पिन को टाइट करके मोड़ करके आप उसको लगा देंगे तो फिर से एकदम ठीक हो जाएगा। इसको मैं लगा चुका हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से टाइट है, हिल डुल नहीं रहा है। यदि ये आपका हिल डुल रहा है तो आपके बाइक में समस्या है और आप इसको रिपेयर करवा सकते हैं किसी मैकेनिक के पास या खुद से या अपने आप से ही कर सकते हैं रिपेयर। तो फिर जैसा कि आप वीडियो में देख चुके होंगे कि आप डिस्क ब्रेक को कैसे रिपेयर कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं होता है। बस लेदर पैड को आपको छटकाना है, उसके बाद उस पिन को थोड़ा सा मोड़ के फिर से लगा देना उसी जगह पे। आपको बस ध्यान देना है कि कैसे निकालें उस पिन को और कैसे लगाना है, इसका ध्यान रखिएगा। लगा देंगे फिर आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।